गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान अप्सरा इंटरप्राइजेज, बजाजी लाइन, दमोह। LIC में बाहरी एवं ग्रामीण एजेंट भर्ती 6000 हर माह और 25000 से अधिक का कमीशन केवल 280 पद, योग्यता 10वीं पास, उम्र 25 वर्ष से अधिक। जल्द संपर्क करें आशीष जैन भर्ती अधिकारी, मोबाइल नंबर 90980 13 269। 55 से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा कृष्ण सुपर मार्केटिंग, बूंदाबाऊ कॉम्प्लेक्स, दमोह, बाजार से कम कीमत पर। मासूम और एक महिला की मौत का मामला तालाब में डूबने से शोक। पिता संतोष पटेल उम्र करीब 1.5 वर्ष, जो कि धर्मपुरा कोतवाली की तालाब में डूबने के बाद जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया गया। पंचनामा पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर गया। वहीं अज्ञात कारण से सविता पति भरत अहरवाल उम्र 23 वर्ष बनगांव थाना की मौत हो जाने पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। सबका पंचनामा पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। लाखों भक्तों ने किए भगवान भोलेनाथ के दर्शन। सोमवार को सावन के सातवें सोमवार भक्तों की रही भारी भीड़। दमोह शहर के 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जागेश्वरनाथ बाधकपुर में रहा भक्तों का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने किए भगवान जागेश्वरनाथ धाम भोलेनाथ के दर्शन। TI महेंद्र कुमार सहित पुलिस के द्वारा चाक चौंद व्यवस्था। सिटी कोतवाली में पदस्थ सब इंस्पेक्टर श्याम बैन ने रक्त की कमी के चलते एक बच्चे को सूचना मिलने पर जिला अस्पताल पहुंचकर ब्लड डोनेट किया। जिन चंद्रशेखर पाठक जी की स्मृति में भगवे दंगल का आयोजन शहर के जटासंगर में आयोजित। मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया, चेयरमैन राहुल सेन, सतीश तिवारी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों सहित दर्शकों की रही उपस्थिति। दो में से वाहन दुर्घटना में एक घायल, एक की सांसें थमी। दमोह जिले के देहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 12 घंटे के बाद दूसरा ट्रक हादसा सामने आया है, जहां बाइक और ट्रक की भिड़ंत के बाद दो लोगों में से एक लोगों की सांस थम गई, वहीं दूसरा व्यक्ति घायल, जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है कि मृतक महेश पिता संतोष अठिया उम्र 22 वर्ष निवासी महुआखेड़ा की सांसें थम गई, वहीं गोवर्धन पिता पंचम लाल यादव 35 वर्षीय निवासी बजरिया 5 दमोह का इलाज जारी है। नवागढ़ TI हिंडोरिया महेंद्र कुमार जगत ने दमोह जिला के अति संवेदनशील थाना हिंडोरिया में पदभार ग्रहण करने एवं प्रथम बार नगर आगमन पर बस स्टैंड पर मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों व गणमान्य नागरिकों के द्वारा फूल मालाओं व साल श्रीफल से सम्मान किया गया। बड़ी संख्या में समाज सहित अन्य लोगों की उपस्थिति रही। पुलिस अधीक्षक दमोह के निर्देशन में मुखबिर की सूचना पर ग्राम बरी कनौरा में आरोपी भूरा और योगेश पिता टेकचंद उम्र 24 वर्ष निवासी रने एवं आशीष पिता भगवान दास राय उम्र 24 वर्ष निवासी पांजी थाना हटा के कब्जे से 30 पाव देसी मसाला दारू एवं 20 पाव प्लेन दारू मोटरसाइकिल से ले जाते हुए पकड़कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री कल दमोह आएंगे, तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग दल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल 22 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे सागरना का दमोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल मूर्ति के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तदुपरांत 3 बजे से 4 बजे तक आयोजित तिरंगा यात्रा रैली में शामिल होंगे, जो शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरेगी। दमोह शहर के जटाशंकर स्थित बीराताल में मित्र मंडली के द्वारा बाबा भोलेनाथ की शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से निकाली गई। पन्ना दमोह मार्ग पर ग्राम हरदुआ के पास कार पलटी, ड्राइवर हुआ घायल, कार के फरकच्चे उड़े। दमोह जिले में जहां लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं, वहीं दमोह जिले की हटा तहसील में जोरदार बारिश के चलते लोगों ने राहत की सांस ली, सड़कें जलमग्न हुई। मरियातो थाना प्रभारी ब्रजेश पांडे ने चंदेना गांव में लगाई ग्राम चौपाल। ग्राम चंदेना में दो वर्गों में विवाद की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके निराकरण हेतु सामाजिक समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया तथा दोनों पक्षों को समझाइश दी गई। विवाद को थाना पुलिस ने समझाइश देकर शांत कराया। पवई से बांधकपुर दर्शनों को जा रही बुलेरो गाड़ी कुंडलपुर के पास पेड़ से टकराई, कोई जनानी नहीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भोलेनाथ के दर्शनों को जा रही बुलेरो कार सड़क पर लड़ रही गाय को बचाने के प्रयास में सड़क से नीचे उतर गई, पेड़ से टकरा गई। हालांकि लोगों के अनुसार बुलेरो की रफ्तार कम होने के कारण बड़ा हादसा होने से बच गया। बुलेरो में 4 महिलाएं सहित 2 छोटे बच्चे व पुरुष सवार थे। आवारा पशुओं के बीच सड़क पर बैठने से लगातार सड़क हादसे सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन इसको कोई भी ध्यान
नहीं दे रहा है।